रहनी? हाँ बस निकल ही रहा था मैं। जाओ जल्दी। माय हाँ दवाइयाँ रखी हैं, सोने से पहले लेनी है, भूलना मत। हाँ हाँ ले लूँ। जाओ अब तुम। क्या रे? एक बात पूछनी थी माय। पूछो। कॉलेज लेवल के लिए कंप्यूटर ऑप्ट करना चाहता हूँ मैं। तो करो, उसने पूछना क्या है? सर ऑर्डर ने कहा कि परमिशन लेकर आओ। ये फॉर्म, इस पर गार्डियन के सिग्नेचर चाहिए। पसंदी नापसंदी के लिए भी परमिशन? फनी। हमें लैपटॉप भी देने वाले हैं कल, इसीलिए ये सिग्नेचर। कह देना सर ऑसवर्ड से कि माई ने सिग्नेचर की है, एंजेला रोड्रिगस। अब ये कागज बेशकीमती हो गया। अब कौन संडे की शाम खराब करने? टेल देम आई एम बिजी। और तू भी निकलो जल्दी से। हाँ। चले आते हैं कम्युनिटी लिविंग पढ़ाने। देख रहा हूँ मैं। Better late than too late। देवी जी कहाँ है? अंदर है। दीदी, मैंने कुछ बताया नहीं। तुम भी कुछ मत बोलना प्लीज। ओके, बोलो। क्यों बुला लिया सो अर्जेंटली? दीदी, लास्ट मंडे खुद को जलाने की कोशिश की माय ने। What? हाँ, सर ऑसवर्ड ने बचा लिया, इलाज भी करवाया। ओके, पर कुछ बोलती नहीं दीदी, बहुत डर लगता है। फायर, अग्नि, मतलब इस बार तेज तत्व। दीदी, वो तुम्हारे साथ सब शेयर करती है, प्लीज हेल्प हर। सो रही है? मैं देखता हूँ। ओके। माय, ओ माय। जाग रही है, मैं बुलाता हूँ। ओके। पंच महाभूतों से सजा मेरा स्वर्ग। ये महाभूत एक दिन इसे निकल जाएंगे। ये औरत ऐसे अपनी ही खोल में सिमटी हुई रह कैसे सकती है? पूछो उसी से, आ रही है। पर दीदी, माय को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ रे, जाओ तुम। अच्छा बाय दीदी। बाय बाय बाय। क्या क्या धोओगी? सोल धो पाओगी?
कट इट एंजेला, सच पूछो तो ये हॉल धोना है मुझे, सब कुछ स्पिक एंड स्पैन बनाना है। कोई गेस्ट आएगा तो क्या कहेगा? तुम्हारे आने की खबर पहले होती तो मैं ही बना देती सब कुछ स्पिक एंड स्पैन, मेरी जिंदगी भी। हाँ, पर कलाकार को तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का फ्रीडम होता है ना? जाने दो। Are you hungry? Not much. वॉश लूंगी पहले गरम पानी से। पानी जैसा क्लिंजर नहीं। ए, बस करो अब। पानी, जल, ये तुम्हारा तत्व ज्ञान सुन चुकी हूँ मैं। मैं पानी रखती हूँ। हॉट। जरा सा वो। ओके। Best wishes on your golden jubilee, Oswald. अरे वाह, साहब का बर्थडे गिफ्ट मालूम होता है। Feel first, then think. गैर्निका, गैर्निका, चाय गरम। हे, थैंक्स। हे एंजेला, इस कप को आखिरी बार कब धोया था साबुन वाबुन लगाकर? कल जाने से पहले सब क्रॉकरी धोकर रखनी है मुझे। ए, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि आखिरी बार साबुन कब इस्तेमाल किया था। क्या ढूंढ रही थी? ऐसे ही ताम छाप कर रही थी। पर एंजेला, वो क्या है? गैर्निका? गैर्निका, इट्स अ पिकासो। 1937 में पेंट किया था उसने, अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्पेनिश सिविल वॉर। तो उस पेंटिंग का प्रिंट यहाँ क्यों रखा है? कुछ बनाना चाहती थी उस पर, एन इंस्टॉलेशन। बहुत सालों से इच्छा है मेरी, गैर्निका, माय इंस्पिरेशन। इस पर इंस्टॉलेशन? छी, शुभांगी, इसके पहले ऐसे बिन बताए अचानक आई नहीं थी तुम कभी? हाँ। नो वेट, अप्रैल में आई थी ना, बाहर की तुम्हारी इंस्टॉलेशन पॉइंट में तुम डूबते डूबते बच गई थी, तब जल तत्व। सफर कैसा रहा तुम्हारा? ज़िप ज़ैप ज़ो, आई लाइक द कंट्रीसाइड, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं, मस्त हवा के साथ रेस करते हुए आई। डोंट डू दैट। क्या? हवा के साथ रेसिंग? ओह, द वायु फैक्टर। कम ऑन एंजेला, वही तो करने आती हूँ मैं यहाँ, खुली हवा में सांस लेने। हे, कल सुबह हम वॉक पे चलेंगे, हाँ? देखेंगे। और तुम्हारा वो काम? दैट रिमाइंड्स मी एंजेला, गांव से नया रास्ता निकलने वाला है। सुना है, तुमसे किसने कहा? मेन रोड पर मजदूर औरत दिखी, गोद में बच्चा था, उस बेचारी को लिख दी, उसी से पता चला। क्या
क्या क्या गप्पे लड़ाई? उसका पति और वो दोनों पत्थर तोड़ते हैं, इसी गांव में काम चल रहा है, दोनों की मजदूरी इसी के हाथ आती है, isn't that nice? फिर उसे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में लेक्चर दिया कि नहीं? नहीं, बात वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन 2.5 किलोमीटर का उसका सफर मैंने कंफर्टेबल बना दिया। I have done one good deed for the day. मतलब स्वर्ग में तुम्हारी सीट कंफर्म। वाओ। हाँ, मेरा विश्वास है स्वर्ग प्राप्ति पर। मेरा भी। इसीलिए उसका यही निर्माण कर रही हूँ। हाँ, इन पेंटिंग्स के जरिए, इन फॉर्म से, ये रेत पत्थर सीमेंट के बने गार्डन से, ये आधा अधूरा इंस्टॉलेशन, ये चित्र, इनके जरिए होगा स्वर्ग का निर्माण। होगा, मेरा जजमेंट मैं खुद करूंगी, उसके लिए किसी अलग जजमेंट डे की जरूरत नहीं है मुझे। किसी के मदद के बिना मैं मेरे स्वर्ग का निर्माण करूंगी, कर रही हूं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, किसी की मदद नहीं चाहिए, लोगों से उब गई हो, चर्च जाना छोड़ दिया है, तो फिर इस गांव में तुम रहती ही क्यों हो? तो फिर कहां जाऊं? दिस इज माय लैंड, मैंने कहीं और क्यों जाना है? If they don't need me, fine. Neither do I. लेकिन Angela, कल कौन सा काम है तुम्हारा यहाँ? चाइल्ड लेबर पर प्रोजेक्ट कर रही हूँ, पेपर सबमिट करना है। और फंड्स लेने हैं, है ना? तुमने पूछा इसलिए बताया। है एंजेला, हाँ, यहाँ के एक दो कॉन्ट्रैक्टर्स के रेफरेंस दो ना। आई एम अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। फिर भी हाँ, यहाँ वैसे कोई आता जाता नहीं, इसलिए गांव में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे इसकी कोई जानकारी होती नहीं। हाँ, मोहित कभी कभार बताता है, पर वो भी इंस्टीट्यूट, पढ़ाई, गांव घर की खेती, इतने तक ही सीमित है। और ऑस्वर्ल्ड? वो नहीं आता। ऑस्वर्ल्ड द म्यूजिशियन, द म्यूजिक टीचर? हाँ, वो आता है कभी कभार। एंजेला, गांव का बाप की क्या खबर है? खुश है अब, क्योंकि सुनंदा का रोना धोना बंद है, पीना छोड़ दिया है शायद। क्या उम्र होगी सुनंदा की? यही कोई 25-30 साल। फॉर्मल एजुकेशन लेती तो क्या अलग कर लेती? इस एजुकेशन के नाम पे क्या अलग कर रहे हैं हम? बेजान इमोशनलेस खोड़े निर्माण कर रहे हैं। कॉलेज में मेरी इसी बात को लेकर बहस होती रही, सो आई ऑप्टेड फॉर पेंट एंड ब्रश। ब्रश का इस्तेमाल शस्त्र की तरह करो, तभी समाज परिवर्तन होगा। Those were the days. मोहित ऑस्वर्ड के पास पढ़ता है? हाँ, म्यूजिक, बच्चों को म्यूजिक रीड कराने सिखाता है ऑस्वर्ड। टफ जॉब, पेशेंस का काम है, बच्चों को रुचि हो या ना हो पढ़ाना। आजकल पसंद ना पसंद कौन पूछता है? अरे, फॉर्मल एजुकेशन यानी ये सब करना ही पड़ेगा, वैसे रूल्स होते हैं, गवर्निंग बॉडीज होती है, सिस्टम होता है। सिस्टम, व्यवस्था किसकी? विद्वानों की, पढ़ाने वालों की, धर्म ग्रंथों की? क्यों? क्योंकि सदियों से चली आ रही है, इसलिए अब। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, पर हम पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए सहेंगे, क्योंकि सवाल करने का मादा नहीं, इच्छा नहीं। Are you sure? जाने दो, ये कब तुम धोगी या मैंने ही धोकर रखने हैं? अरे रखो यहीं पर, बैठो थोड़ी देर। एंजेला, एंजेला,
He looked at me minutely, more tenderly, moving his hand over my body like a sculptor, assuring himself that the forms were as they should be. Francois Gillo to dear Pablo. Pablo? निकल कर नहीं आता, हाथ भी स्थिर नहीं रहता पहले जैसा। एंजेला, पर वो गैरनिका है क्या वो चीज? गैरनिका, जहां कहां अपनी नाव घुसेड़ने वाली औरत को गैरनिका कहते हैं। बोलो ना, वो स्केच में दिखती विद्रूप औरत, वो है गैरनिका? फिर ये घोड़ा, ये इतना दुखी क्यों है? अरे पिकासो के गैरनिका का प्रिंट है ये। ये घोड़ा और ये बैल, ये प्रतीक है सैनिक और श्रमिक वर्ग के। और ये औरत यानी आक्रोशकर्ता समाज, एंटी वॉर पेंटिंग है ये। आई फाउंड इट इंस्पायरिंग। ओह वाओ, इसीलिए तुमने लिखा है वो ही लुक्ड एट मी, क्या है वो, Over my body. शुभांगी, हर चीज का क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकती मैं। I'm sorry, Angela. क्या मैंने कुछ गलत कहा? जिस विषय के बारे में पता नहीं उस पर भी बड़बड़ाने की आदत है यहाँ सबको। बेचारा मुर्दा खोर, सब के सब। एंजेला, हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, दिखाओ। वो गिरा और जरा सा जला और कुर्सी को भी आग लगी। I don't want to lie. इंस्टीट्यूट में था। बाद में आया था? नो, वो भी स्ट्रेस में है। उस पर इंक्वायरी कमिटी बैठी है शायद। इस हादसे की वजह से? नो, वो यहाँ आता है इसलिए। ना रे बाबा, बच्चों को लेकर वो एक प्ले तैयार करवा रहा था, गार्डन ऑफ ईडन। मैं डायरेक्ट कर रही थी तो मेरे कुछ व्यूज उसके कमिटी को पसंद नहीं आए। आर्ग्यूमेंट्स, प्ले आधे में बंद, मैं निकल आई। ही इज फेसिंग द म्यूजिक। किन किन से उलझोगी और किसके लिए? किसके लिए मतलब? बच्चों के लिए, आने वाली अगली पीढ़ी के लिए।
ऐसे पाप और पुण्य की खौफ में क्या वो अपना फ्यूचर ढूंढ पाएंगे? उनमें सोचने का जज्बा पैदा करना क्या ये हम सब की जिम्मेदारी नहीं? ऑज़वर्ड का क्या कहना है इस बारे में? आई एम सॉरी, दिस वॉन्ट हैपन अगेन, ऐसे ही कुछ लिख कर दिया है उसने। इस हादसे के बारे में क्या कहता है वो? हाउ वुड आई नो? हु एल्स एंजेला? तुम ब्रेड लेकर आओ, अंधेरा हो रहा है। ही केयर्स फॉर यू, इजंट इट? क्या यही बात तुम्हें परेशान करती है? तुम समझती नहीं हो बच्ची, पहले मुझे लगा ये महज एक इन्फेचुएशन है, बट नो, वो मुझसे संबंध तोड़ नहीं सकता और ना ही खुलेआम मुझे एक्सेप्ट कर सकता है। उसकी ये बेबसी मुझे खाए जा रही है। ओ, मतलब हिपोक्रेट्स, सबके सब हिपोक्रेट्स, सिस्टम के गुलाम। इंस्टीट्यूट के शिक्षकों को शादी करना मना है। क्यों? प्यार कर सकते हैं, शादी नहीं। इट्स कंफ्यूजिंग, वो प्यार करता है या इट्स जस्ट? छोड़ो ना, तू अपने बारे में बता। विक्रम का क्या, कब कर रहे हो शादी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी नहीं। क्यों, रुकी किस लिए? वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है और नौकरी करना उसके उसूलों के खिलाफ है। ओ, फिर रेंट उसका क्या? वो मैं भरती हूँ ना। अच्छा, आजी वसूल है। मैं ब्रेड लेकर आऊँ क्या? ओके, जा। तुम भी चलो, थोड़ा फ्रेश लगेगा। मैं उस शॉपकीपर के पास, दैट इडियट। चलो ना, अंधेरा हो रहा है, जल्दी आएंगे। ओके, चल। ऐसे ही क्या फर्क पड़ता है, चलो। आ, उस शॉपकीपर से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? अरे कुछ भी सवाल पूछता रहता है, पागल। Nice to see you. तुम कब आई? This evening. कैसे हो Oswald? Fine. अपना क्या है? Institute, church, बस चल रहा है. Same routine. Excuse me. मैं ये अंदर रख कर आती हूँ. Hello young man. आज इस वक्त? उसे बुला दिया. नहीं रे. क्यों? Any problem? वैसे बिन बुलाए आने वाली लड़की नहीं है वो, ऐसे अचानक से? तुम्हें पता है मैं यहाँ किसी को बुलाती बुलाती नहीं, यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से, and that's fine. मुझे लगता है, no, I'm sure. मोहित ने उसे बताया होगा हादसे के बारे में. रोजरी के बाद गांव के एक नास्तिक औरत को इस तरह मिलने की इजाजत है क्या तुम्हें? एक्चुअली ये मेरा ऑफिशियल विजिट है, हमारे ओल्ड एज होम के लिए एक केयरटेकर की जरूरत है, यू नो, काइंड ऑफ सुपरवाइजर. तो मैंने कहा एंजेला से पूछूं क्या, तो उन्होंने हाँ कह दिया. आई मीन कमिटी को यह ऑप्शन पसंद आया, तो उन्होंने यह जिम्मेदारी मुझे दे दी पूछने की, तो मैं चला आया फौरन. यस, ओल्ड एज होम, केयरटेकर, यस, ऑज़वर्ल्ड, यस. थिंक ओवर इट, तुम्हारा ये घर इतना दूर, किसी चीज की जरूरत हो तो यहां अपने कम्युनिटी का भी कोई नहीं, रात बिरात कुछ भी हो सकता है.
है ना, कुछ भी, ओल्ड एज होम में सब है, फोन, नर्सेस, एम्बुलेंस, सब सुविधा है, इंस्टीट्यूट भी पास ही में है, मोहित भी नजदीक होगा तो यही सही रहेगा, ऐसे मुझे लगा। व्हाट अबाउट माय गार्डन? क्या ऐसा माहौल मिलेगा मुझे वहां? हाँ, डोंट डिस्टर्ब। देखो धीरे धीरे मोहित की पढ़ाई बढ़ेगी, उसे समय नहीं मिलेगा हर वक्त यहाँ दौड़ाने को। मोहित इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स। अगर वो यहाँ आना चाहता है तो तुम लोग भी उसे रोक नहीं सकते, isn't it? बात को उलझाओ मत, थिंक ओवर इट। शुभांगी से डिस्कस करो, उसे यहाँ की स्थितियां बताओ, यहाँ के लोग, अपनी कम्युनिटी, सब कुछ। अरे शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ गांव में बापतिस्मा से लेकर आखिरी मिट्टी देने तक अपने लोगों की जरूरत होती है। तुम्हारे जैसे प्रभु के सेवकों की भी सोचूंगी मैं। चलता हूं मैं। May the grace of the Lord be with you. Good night. Good night. शुभांगी, शुभांगी, हाँ, चलो कुछ खा लेते हैं। चलो कहाँ बैठेंगे? अरे हाउसबोट चला गया, रखो यहीं पर। शुभांगी, किसी भी स्पीशीज में सबसे डोमिनेंट इमोशन कौन सा होता है? रिप्रोडक्शन। नो, सबसे प्रबल भावना होती है स्वामित्व, दूसरे पर हुकूमत जताने की चाह। ओके, क्या उसमें चाहता है ऐसा? नो, वो नहीं, उसकी कमिटी चाहती है मुझ पर हुकूमत करना। उनसे ये सहा नहीं जाता, एक अकेली औरत उनको नकारने की हिम्मत रखती है, उनके नियम रिवाजों को ठुकराती है। They can't really accept this. और ओज़वर्ल्ड? वो मेरे लिए हमेशा गायनिका का घोड़ा ही रहेगा। I can't connect to him mentally. पता है हमने जब पहली बार किस किया तो उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा, एंजेला, मैं तुमसे उम्र में छोटा हूं, ये पाप है, क्या ईश्वर हमें क्षमा करेगा? Really? What a fool! अरे भाई, भावनाएं भी तो ईश्वर ने दी है, उनका निरादर कर तुम रूल बुक दिखाओगे क्या? किसे धोखा दे रहे हो? I swear. और दूसरे सिरे पर हो तुम दोनों, एक दूसरे को स्पेस देने की चाह में एक दूसरे पर हक जताने का मजा गवा बैठे हो। एंजेला, मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना? कुछ बातें मैं माँ के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, और ना ही विक्रम के साथ। यू नो, वो मजदूर औरत क्या बोली? क्या? उसने कहा, मरद जब दारू पीकर आता है तो मैं नजदीक नहीं लेती, लात मारती हूँ उसे, फिर सुबह उठकर हम दोनों हंसते हैं। कितना सहज है ना ये, रोटी जल गई वो लात मारेगा, पी के आया तो ये लात मारेगी। हर दिन एक नई शुरुआत। Isn't that fascinating? Yes, life without rule books, only instincts. Wow. लगा उसे लिफ्ट दो, उस बेचारी की मदद करो। पर एंजेला,
उस पर कोई बोझ ही नहीं था जिसे मैं हल्का करने निकली थी। She was in tune with her life. विक्रम का कोई फोन नहीं आया। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी काफी कुछ बोल रही थी उसके बारे में। तब जोश था, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। अब मेरी नौकरी लग गई है और वो अचानक चुप सा हुआ है, खोया खोया सा। पता नहीं हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ए शुभांगी, देखो ऑज़वर्ड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है मेरे 50th बर्थडे पर। देखो। हाँ देखा था मैंने, क्या है वो? अब बताती हूँ, दिखाती हूँ, जरा वो लाइट ऑफ करना। लाइट ऑफ? हाँ करो। वे काम से
पर ये घर, ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है। आंतोन के मरने के बाद ये तुम्हारी हुई है। हाँ, पर काउंसिल की ऐसी राय है, मतलब मुझे पूछे बगैर ही, कि इस जगह का इस्तेमाल कम्युनिटी के लिए हो तो बेहतर होगा। पूछे बिना डिसीजन ले ली, क्या बकवास है। अरे उनसे ये सहा नहीं जाता कि एक अकेली औरत किसी के मदद के बिना यहाँ अपना स्वर्ग निर्माण कर रही है। ओए, मेरे साथ चलोगी? बीच बीच में यहाँ आकर अपना काम खत्म कर लेना, इनके मुंह लगने की जरूरत ही नहीं। नो, मेरी दुनिया मेरे साथ, मैं और मेरी दुनिया, we are inseparable। पर एंजेला, तुम्हारे हाथ अभी भी सक्षम है, जहां जाओगी वही अपनी दुनिया निर्माण कर सकती हो तुम। Really? But no, मुझे ये काम खत्म करना है। My dream, my mural। ऑस्वर्ड का क्या कहना है इस बारे में? वो, he is just a messenger boy। जो कहा गया है उसे सुनो। Just like a good music teacher। जो लिखा है उसे पढ़ो। वही गाओ, वही बजाओ। एक नोट इधर का उधर नहीं। गुनाह है, पाप। Allegro, andante, moderato, lento, presto। Bravo। सब कुछ साफ। No, no, no. What was that word? Speak and span. Angela, मैं चाहती हूँ तुम अब लोगों के बीच रहो। यहाँ से निकलो। निकलूँगी। अगली यात्रा पर। Where I will judge myself. तुम यहाँ क्लासेस क्यों नहीं लेती? बच्चों को पढ़ाओ, मन लगेगा। अरे काउंसिल भी तो यही चाहती है कि यहाँ आर्ट क्लासेस हो इस रोड्रिगस हाउस में, और उसके लिए मुझे वहां जाकर रहना होगा, उस ओल्ड एज होम में, ताकि इस जगह का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए हो, कम्युनिटी के लिए। आर्ट क्लासेस, मैन, आर्ट हिस्ट्री के 40 क्लासेस, इजम्स पर 20 लेक्चर्स, 20 प्रैक्टिकल्स, हो गया आर्टिस्ट तैयार, प्रेस्टो। बट एंजेला, एंजेला, कुछ मत बोल। एंजेला, व्हाट हैपेंड टू द लाइट्स? एंजेला, द नाइट इज यंग। Wow, from darkness to light, इस स्वर में तुम्हारा स्वागत है, जहां अंधेरा भी उजाले जितना पवित्र है, रात भी दिन जितनी ही शुभ है। Oh God, ये मैं कहां आ गई हूँ एंजेला? क्या ये एम्बियंस का जादू है या फिर वाइन थोड़ी ज्यादा हुई है? क्या जवाब जरूरी है? लिव फॉर द मोमेंट। Sarun mo ko
है चुभांगी। Angela, उठो। Good morning, Angela. It always is procedure. आज preparatory नहीं गए? वहीं से आ रहा हूँ। लो। ये क्या है? पाव। गरम। शुभांगी, शुभांगी आई है ना? इसीलिए पोदेर से ले आया। माँ। लो। माँ। गावकर बाप, तुम कल आने वाले थे ना? शहर जाना पड़ा माँ। आज शाम आकर छटाई करूँगा। लो क्या है ये? शकरकंद, बाजार जा रहा था, रास्ते में ये मिले, मालूम पड़ा दीदी आई है, उसे पसंद है ना? सोई है अब तक? हे शुभांगी, उठो, देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स आए हैं सुबह सुबह, उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑस्वर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते दीदी। अरे गावकर बाब, गावकर ने शक्करकंद लाए है तुम्हारे लिए और ऑस्वर्ड गरम गरम पाव ले आया है। इतनी सुबह? शुभांगी, 9 बज रहे हैं। क्यों लाया ये सब? दीदी अपने खेत के हैं, पानी में उबाल कर थोड़ा नमक लगाकर खाना, इस मिट्टी का स्वाद ही कुछ और है। दीदी हमारा खेत देखने आओ ना, सुनंदा भी रोज कहती है तुम्हें याद करती है। थैंक्स गावकर बाब, खेत देखने सुनंदा से मिलने आना है। ठीक है। शुभांगी, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ माँ, तुम्हें चाहिए? बाहर गाड़ी में ताजी सब्जियां हैं, खेत से आज सुबह ही निकाली है, मोहित भी पसंद करता है। अच्छा, मोहित सब्जियां पसंद करता है? पसंद, वो बुआई भी करता है, खेत में उसका अपना एक एक्सपेरिमेंटल कोना है। अच्छा, वो होता है तुम्हारे संग वहाँ? हाँ तो मूली गाजर लाल सब्जी सब सीख रहा है मेरे यहाँ। अरे कभी बताया नहीं उसने? काफी रुचि रखता है खेती बाड़ी में, पेड़ पौधों में, मिट्टी से उगने वाली हर चीज में। वाह। वैसे शराब छूटने के बाद उपज काफी बढ़ गई है इसकी। हाँ हस्बैंड बाब, माए के कारण और दीदी के कारण मैं फिर से खेती करने लगा। अब तो सामने वाली जमीन में भी खेती करने का मन है, डॉक्टर ने बुलाया है। कौन सी? वो सड़क के उस पर? हाँ। अरे वो तो पूरी पथरीली जमीन है, वहां क्या उगेगा? कड़ी मेहनत से तो पत्थर भी पिघलता है, सख्त कठोर भूमि भी फसल देती है ना दीदी? क्या? पत्थर में भी पानी होता है ना? हाँ बिल्कुल। दीदी आज दोपहर चल रहा है खेत देखने? ना रे, सुनंदा से कहना अगली बार। ठीक है दीदी, चलता हूँ हस्बैंड बाब। माए नाश्ता देना दीदी को। जी। नमस्ते। बाय। चला गया। इतने बातें करता है। एंजेला, एंजेला। हाँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो मैं ये फॉर्म लाया। फॉर्म? हाँ। एक्सक्यूज मी। कल मैंने कहा था ना, ओल्ड एज होम के लिए कहते कर, बस वही है। पॉसिबल? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ?
बाहर देखो कितनी सुहानी सुबह, कलियां खिल रही है, हल्की ठंडी हवा, देखो जरा। सिर्फ फॉर्मल एप्लीकेशन है, भरूंगा मैं ही, तुम्हें सिर्फ साइन करनी है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी पूरी करते करते जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी। वो ऑसी लो पढ़ो लो। मतलब रिक्वेस्ट मैं करूंगी? हाँ। देखो इस सिचुएशन में मुझे तो बस यही एक ऑप्शन दिखता है, ट्रस्ट मी। क्यों, क्या हुआ? ऑज़वर्ड, जब कोई पुरुष ट्रस्ट मी कहता है ना, तब वो 100% झूठा होता है। ओल्ड एज होम में तुम्हें सब मदद मिलेगी। आंखों पर चश्मा, जख्मों पर मरहम, हाथों का इलाज और 2 वक्त का खाना, यही है ना वो सब मदद? ओजी, तुम्हारे सिस्टम में ही अंधकार फैला हुआ है और मैं रोशनी चाहती हूँ, प्रकाश, जो मैं यहाँ निर्माण करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ। अकेली या शुभांगी के साथ, या फिर वो सुरंदा आएगी तुम्हें मदद करने? हाँ, शायद सभी आए, शायद तुम भी, मैं मैसेंजर बॉय। किसी अजनबी की तरह बात मत करो एंजेला। बेसिकली यू डोंट वांट पीपल अराउंड यू, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, इन सब से घृणा है तुम्हें। तुम्हें तुम्हें तो बस एकांत चाहिए है? तुम्हारे सारे दोस्त, कम्युनिटी के लोग, तुम्हें बहू के रूप में स्वीकारने वाला ये रॉड्रिगेस परिवार, यहाँ के पड़ोसी, सबके सब दूर हो गए हैं तुमसे, कोई तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। क्यों? केवल तुम्हारे इस अजीब मिजाज की वजह से। पिछले 10 सालों में तुम कितना बदल गई हो, कभी सोचा है? बहू के रूप में यहां आई हुई अंजना और आंतोन के डेथ के बाद 10 सालों में बदली हुई ये एंजेला, ये अजीबोगरीब शौक, ये लाटे, ये पत्थर, सीमेंट के वो ढेर, देखो 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 इस हॉल की हालत देखो। हॉल की ही क्यों, तुम्हारे अपनी खुद की हालत देखो। क्या इससे ऐसे निर्माण होगा तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा वो स्वर्ग? होगा, ओ जरूर होगा। गावकर क्या कह गया शायद तुमने सुना नहीं, सख्त कठोर भूमि भी फसल उगाने की क्षमता रखती है, राइट? देखो मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए गरीबी दोस्त, एक फेलो क्रिश्चियन होने के नाते तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य बनता है। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें वहां भी मिल सकता है ना? ऑज़वर्ड, तुम्हें याद है आंतोन के फाइनल राइट्स के बाद तुम मुझे सीमेंट जैसे घर तक ले आए। आई वॉज इन अ शॉक, सभी रिश्तेदारों से तुम मिले, सभी को सी ऑफ तुम्ही ने किया, उसी वक्त इस घर की जिम्मेदारी भी तुमने अपने सर पर ले ली, सब सांत्वना लेकर चले गए, पर तुमने कंट्रोल अक्सेस नहीं दिए। मेरे हर तरफ फैला हुआ था इनसिक्योरिटी का डर, और वो भी मेरी तरह था, अकेलेपन का काला रंग कपड़ों से मेरे रंग रंग में फैल गया। पांच पर के धुक्कार का वो धक्कार, ओ एंजेला, उस शाम तुम यहां एक मोमबत्ती जलाकर चले गए,
उस ज्योति को देख पूरी रात बिताई मैंने। उसके बाद कई दिन, सप्ताह, महीने केवल इस जलती लौ के आधार पर। फिर एक दिन मैंने त्याग दिए वो काले वस्त्र, फाड़ फेंक दिए, खुद को आगाह किया, बताया खुद को कि मिटाना है अंधकार, प्रकाश का निर्माण करना है। अब हर तरफ सो लाइट अप एवरीथिंग अराउंड यू, मोमबत्तियां, दिए, लालटेन, हर तरफ से साफ विचारों जैसा साफ प्रकाश इस घर में आने दिया। हर माध्यम से कलर्स, फॉर्म्स, थॉट्स। दस साल बीते केवल आनंद की खोज में। अब ये खोज इस भूमि तक आ पहुंची है। केवल इतना ही बचा है, तुम्हारे उस ओल्ड एज होम में क्या ये कर पाऊंगी मैं? नो, उसके लिए मुझे यही रहना होगा इस रंग और प्रकाश की दुनिया में, इन माय गार्डन। एंजेला, प्लीज अंडरस्टैंड। लुक, मुझे लगता है तुम वास्तव और कल्पना में गलती कर रही हो। इस कल्पना विश्व से तुम बाहर निकलना ही नहीं चाहती, इसीलिए संडे का मांस भी डालती आई हो। सच पूछो तो ऑल सोल्स डे की प्रेयर तुमने मिस की। मुझे तभी लगा था कुछ तो गड़बड़ है, तो सभी को लेकर संडे में यहां आ पहुंचा तो तुम बाहर किचन में कर। I was answerable, me, not you. I was obsessed with Gary का that day. पहले मैंने स्कल्पचर बनाने की सोची, फिर म्यूरल बनाने का जुनून सवार हो गया। गैरनिका ने अनगिनत मोमबत्तियां जलाई मेरे अंदर, बाइबल के परे देखने की दृष्टि थी। फिर मेरे जीवन के नियम ही बदल गए। ऑल सोल्स डे की रात मुझे प्रकाश का एहसास हुआ, सृजन का प्रकाश। मैं भी जन्म दे सकती हूँ इस एहसास का प्रकाश। वाओ शुभंगी, समझाओ इसे, अकेले इस घर में कैसे रहेगी? पर ऑस्वर्ल्ड, याद है आल्टोन के दफन विधि के बाद तुमने सेलमन दिया था, तब बाइबल का पहला वचन समझाया था। उस वक्त पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, हर तरफ अंधियारा था, अस्तित्व का अभाव पैदा करने वाला वो अंधियारा पांच नपुंसक था। तब ईश्वर की आत्मा जल के ऊपर से एक परिंदे के रूप में अवतीर्ण हुई। उसने अपने कोमल पंख फड़फड़ाए और सृजन का एक हल्का नाजुक चौका सृष्टि को धीरे से स्पर्श कर गया। मुझे वो परिंदा बनना है और ठीक वैसे ही प्रकाश से आलोकित होना है। तुमने उस दिन जो जो कहा वो सब मैं करूंगी। भूमि, गांव का आज एक और मोमबत्ती जलाकर चला गया। एक्सक्यूज मी, एंजेला। मेरे प्रवचन का ऐसा भी अर्थ निकल सकता है? कम ऑन ऑस्वर्ड, अपनी जिम्मेदारी टाल नहीं सकते तुम। सीरियसली, उसकी मानसिक स्थिति नाजुक हो गई है। नो ऑस्वर्ड, नो इमोशनल ब्लैकमेल। वो यहीं पर खुश है और वहां आना नहीं चाहती। उसे अपनी तरीके से जीने दो। ओके, तुम्हें अगर उसका ये बिहेवियर सही लगता है तो मुझे बताओ, क्या इस घर में वो अकेली सुख से सिक्योर रह पाएगी? पर उसने कहा रहना है, कैसे जीना है, इसका निर्णय करने वाले तुम और मैं कौन होते हैं? She is confused. हमें ही निर्णय लेना होगा। तुम्हें याद है ना पिछले हफ्ते क्या हुआ था? हाँ, लालटेन गिर, उसका हाथ देखा, जैसे तैसे बचा लिया। अगर फौरन इलाज न होता तो आज भी अस्पताल में पड़ी रहती हो और वो 6 महीने पहले का वाकया वो क्या था? उस बाहर के पॉन्ड में डूबते डूबते बच गई वो, क्या वो भी महज एक एक्सीडेंट था? नो शुभांगी, नो, उसे मदद की जरूरत है और इन हालात में मुझे तो बस यही एक ऑप्शन दिखता है। मुझे जाना होगा।
फॉर्म मैं क्लास के बाद आकर कलेक्ट करूंगा। शुभांगी समझाओ उसे, अगर ओल्ड एज होम में नहीं रहना चाहती तो तुम्हारे साथ शहर लेके जाओ। डू समथिंग। रिलैक्स, आज अगर थकान महसूस होती हो तो रुक जा। ब्रेकफास्ट किया? नहीं, रास्ते में कर लूंगी। पर मैंने वो शक्करकंद। हे, तुम्हारा वो स्टोन हार्टेड मैन ये फॉर्म छोड़ कर गया है। लो, इसने ये फॉर्म दिया है और गावकर ने वो। हेलो। हे शुभांगी, ऐसे ही कोई एक प्रोडक्टिव एज होम क्यों ना हो, या फिर क्रिएटिव एज होम, या फिर क्रिएटिव एज होम। हर आदमी क्रिएटिव होता ही है, क्यों? देखो ना, आज की सुबह कितनी सुहानी है। ए, तुम्हारे इंटरव्यूज का क्या हुआ? इंटरव्यूज, रिपोर्ट्स। वो मजदूर औरत, उसे मिलोगे कि नहीं? ना, नहीं। अरे मिल लो, उसका भी एक मस्त इंटरव्यू कर लो। She is an inspiration. I won't be able to. चलो, हम ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। चलो, no, I had black tea. Sure? Yes. इसी जगह पर। जगह बदलने से कुछ बेहतर नहीं निकल पाएगा? हाँ शायद, पर ऐसा हरगिज नहीं। ये फॉर्म और ये कंसेप्ट
इसी जगह के लिए बना है। ये इंस्टॉलेशन और ये गार्डन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, देखना। हाँ, ऑज़वर्ल्ड क्लास के बाद एडमिनिस्ट्रेशन जाते वक्त यहाँ आने वाला है। इसके लिए है शुभांगी, इस हफ्ते इस हाथ का कुछ इलाज करवा लेते हैं। व्हाई नॉट, आओ। सोच रही हूँ एडवोकेट बोरेटो से भी मिल लूं। डेट्स तय कर लो, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। ये दीवार साफ करवानी पड़ेगी, टेक्सचर तैयार करना होगा। ये यहाँ रिलीफ में कैसा लगेगा? रिलीफ मिलेगा। मैं क्या बताऊँ। पर मटेरियल इकट्ठा करना होगा, तुम्हें लिस्ट भेजूंगी। श्योर। एंजेला, तुम सचमुच एडवोकेट बोरेटो को मिलना चाहती हो? सभी कागजात मोहित के नाम करने होंगे ना, नहीं तो कोई भी सेवाभावी संस्था आकर हड़प सकती है ये सब। बहुत विश्वास था ना लक्ष्मी का तुम पर। और मेरा उस पर। पूरे गांव ने मुझे बहिष्कृत किया, पर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं और गांव, हम दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज थी वो। पता है मोहित बस 7 साल का था जब वो गुजर गई, मेरे पास छोड़कर चली गई उसे। उनके लोग आ गए थे उसे ले जाने, पर पता है मोहित ने इनकार कर दिया। पंचायत तो पहले से खिलाफ थी ही, तब एडवोकेट बोरेटो ने मोहित की कस्टडी दी पाई। लेकिन इतना संघर्ष क्यों, क्या जरूरत है? पावर, सब सारे पावर हंग्री होते हैं, इसीलिए ये नियम सोसाइटी के, रिलीजन के। हमारे सर हमेशा कहा करते थे, अपना मार्ग खुद बनाओ, डिराइव योर ओन स्टाइल। कितने कितने ऑब्जेक्टिवली सहज एक्सप्रेस हो सकती हो तुम। क्या ऑज़वर्ल्ड के साथ जी? शुभांगी, इवन विद हिम एंड ऑल बाय मायसेल्फ। एंजेला, मैं ही थी। हर औरत अपने मर्द के साथ एकाकी होती है, ऑल अलोन। शुभांगी, हम औरतों को अपना स्वर खुद निर्माण करना पड़ेगा, मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे है वो, वेल ट्रेंड, मुझे आदत है उनकी। हाउ सिक एंजेला, तुम कंप्लेन क्यों नहीं करवाती? क्योंकि मुझे उन बच्चों पर गुस्सा आता नहीं, दया आती है मुझे उन पर और उनके संस्कारी पेरेंट्स पर। भटकान पिशी। पता है जब विक्रम और मैं पहली बार गांव में इंस्टॉलेशंस देखने आए थे, पड़ोसियों ने यही कहा था, भटकान पिशी, औरत पागल है। फिर भी तुम सही रास्ते से डेस्टिनेशन तक आ ही पहुंचे। बिकॉज डिस्प्लेसिंग योर रूट विल डिस्प्लेस योर डेस्टिनेशन, राइट? कल काफी देर तक जाग रही थी मैं। मुझे कुछ क्रिएट करना था, अजीब सी फीलिंग थी। तुम अंदर चली गई, मैंने फिर गैरनिका निकाला। गैरनिका अलग ही लगा मुझे, बचपन का घर याद आया, स्कूल, टिफिन संभलते मैं भाग रही हूं, दरवाजे पे माँ खड़ी है, टाटा कर रही है। माँ, लगा कि सुबह होने तक नींद ही ना आए। क्यों?
की आंख बंद होते ही माँ बत्ती बुझाकर चली जाएगी। लंबी सांसें लेती रही। इस स्केच के साथ बाहर रात अंधेरा अंधेरे में हाथ बटाने वाले लोग मिल जाते हैं शुभांगी, तुम्हें भी मिलेगी जैसे मुझे मिली। लक्ष्मी, नागवेकर सर, एडवोकेट बरेटो और हाँ ऑज़वर्ल्ड भी। एंजेला, मैं क्या करूं? विक्रम, टॉक टू ईच अदर, खुद से भी पूछो क्या वाकई में शादी करना चाहती हो, और अगर उसने ना कहा तो कम से कम डिसीजन तो हो जाएगा, अच्छे दोस्त बनकर भी तो रह सकते हो। देखो, एक दूसरे को सप्लीमेंट करने की कोशिश ना करो, शादी में एक दूसरे पर मेहरबानी नहीं होती, ऐसी शादियां बांझ ही होती है, बच्चे को या ना। फील फर्स्ट देन थिंक। वाकई अब उस मजदूर औरत को भी मिल लूंगी। हैव होप, कीप द फेथ। वेदना है इसीलिए मुक्ति सार्थक है। हाँ, गैरनिका गैरनिका। करने से हमें मना किया गया है। रूल्स? ओके, चलो बाहर चलो, लैपटॉप देखते हैं। हाँ हाँ चलो। सो इट्स टाइम फॉर गुडबाइज आई गेस। एंजेला, मेरे जीवन में आई हुई पूरी तरह से मुख एकमात्र व्यक्ति हो तुम। चलती हूँ। पैरों के जंजीरों का एहसास तभी होगा जब आगे बढ़ने की कोशिश करो। अभी तो लंबा सफर तय करना है। बाय 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 ऑज़वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू। मोहित, मोहित। एंजेला, तुम्हें मोहित से बात करनी होगी। वो बागवानी करना चाहता है। बागवानी? तो? अरे अपने कॉलेज सेक्शन में सब्जेक्ट ही नहीं है, और अगले 3 महीनों में उसकी हायर सेकेंडरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या? क्या? बागवानी? ये अगर करनी हो तो हॉर्टिकल्चर मेजर लेना पड़ेगा। We don't have it। बागवान हॉर्टिकल्चरिस्ट बनना चाहता है मोहित? वाह, मार्वेलस। एंजेला, तुम सब कुछ लाइटली कैसे ले सकती हो? लाइट, जरा वो मोमबत्ती जलाओ ना। क्या? मोमबत्ती? मोमबत्ती? हाँ हाँ, जलाओ प्लीज। और इस वक्त? प्लीज। ओके। और अब क्या करो? देखो, हर तरफ प्रकाश फैला हुआ है। उसने प्रकाश का एक स्फुल्लिंग मानव के हृदय में हल्के से रखा।
तुम्हारे ही शब्द देखो ऑजी सच हो रहे हैं। उस प्रकाश में मेरे आनंदवन का ये ब्लूप्रिंट देखो। देखो ये यहाँ पे ऐसे खाई, मैं समझाती हूँ। ये यहाँ खाई, यहाँ ऊपर प्लेटो पथरीला, यहाँ बीच में मुक्त स्पेस, यहाँ ऐसे नदी जल स्रोत और यहाँ अग्नि स्रोत सूर्य। एंजेला क्या है ये सब? अरे दिस वॉज द मिसिंग एलिमेंट, ये पाषाण जिसकी वेदना में ही मुक्ति का मार्ग है। तुम देखना ये मेरा मास्टरपीस बनेगा। तुम समझ नहीं पा रही हो मुझे क्या कहना है। और तुम इसका मतलब है तुम यही रहना चाहती हो अपने पागलपन के साथ? नो ऑजी, प्रकाश और रंगों का यह आनंदवन निर्माण करने वाली एंजेला पागल कैसे हो सकती है? ये और हौस साकार है वाली एंजेला बांझ कैसे हो सकती है? नो नेवर, this is as far as I can go in my journey. Journey? यात्रा बहुत बहुत आगे निकल चुकी हो। तुम्हारी गति को पकड़ना मेरे लिए संभव नहीं, तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा मैं। पहुंचे तो भी टिक नहीं पाओगे क्योंकि हमारे मार्ग अलग है, यात्रा अलग है। चलता हूं मैं। आज फिर एक मोमबत्ती जला कर जा रहा हूं, इस बार तुम्हारी मर्जी से। पर अब इस लौ की जरूरत तुम्हें शायद नहीं रही। सर सर सर, दीदी ने मुझे सारे सिस्टम फंक्शन समझा दिए हैं और कुछ लेटर सॉफ्टवेयर भी दिए हैं। थैंक यू सर। मैं गांवर बाप के पास जाकर आता हूँ, उसे दिखाना है ना। मोहित तुम हॉर्टिकल्चरिस्ट बनना चाहते हो ना? हाँ मैं। तो जाओ, इस मिट्टी से जुड़े रहो। बाय सर। बाय बाय। थैंक्स मोहित। तुम्हें इतना संतुष्ट पहले कभी नहीं देखा मैंने। गॉड ब्लेस यू एंजेला। आज तुम स्वयं प्रकाशित हो गई हो। There is more light in you than all your candles put together.